नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती, आपके लिए लेकर आई हूं यूपी राउंडअप, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का सियासी हाल। साथ में बात होगी हर उस हलचल की जो आपकी जिंदगी से सीधे जुड़ी हुई है। तो तेज रफ्तार से शुरू करते हैं यूपी राउंडअप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दौरान जनता दर्शन में फरियादियों की शिकायतें सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के उचित समाधान के निर्देश दिए। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और 1000 से ज्यादा महिला लाभार्थियों को सिलाई मशीनें दी। सरकार की कोशिश महिलाओं को सशक्त बनाना है। अयोध्या में रामलला के दिव्य प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की भव्य तैयारियां जारी हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है, साथ ही अन्य हस्तियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मायावती को प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन वो समारोह में शामिल नहीं होगी। वहीं 22 जनवरी को देश के अलग अलग हिस्सों में दीपावली मनाई जाएगी। ऐसे में लखनऊ में आतिशबाजी के लिए सीमित दुकानदारों को पटाखे बेचने की अनुमति दी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी को घेरा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चारों शंकराचार्यों के ना शामिल होने पर अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी अब शंकराचार्यों पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा सकती है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि यूपी में कोई निवेश नहीं आ रहा है, सरकार केवल इवेंट पर पैसा खर्च कर रही है, बीजेपी सरकार में नौकरियां खत्म हो गई है, बीजेपी ने अपने किसी वादे को पूरा नहीं किया है। सहारनपुर से बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान ने राम मंदिर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमें अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के बनने से कोई एतराज नहीं है, हम सबको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव के कारण राम मंदिर का निर्माण होने से पहले ही चारों शंकराचार्यों के विरोध के बाद भी मंदिर का उद्घाटन कर रही है, इस पर हमें एतराज है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच यूपी सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी की प्रतिक्रिया सामने आई है। अशफाक सैफी ने कहा है कि भगवान राम का विरोध करने वाले रावण के परिवार के लोग हैं, भगवान राम सबके हैं, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना हमारे लिए गौरव की बात है। सीतापुर के एक गाँव में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद लखनऊ से बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और मामले की जांच में पता चला कि गांव में मिला ग्रेनेड पुराना है, ये कहां से आया इसकी तफ्तीश की जा रही है। यूपी पुलिस अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसकी तस्दीक मुजफ्फरनगर में देखने को मिली है, जहां एक गन्ने के खेत में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ की ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने मुजफ्फरनगर में 7 घंटे के अंदर 2 अलग अलग मुठभेड़ को अंजाम देकर 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर में पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 4 किलो अफीम मिली है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बलरामपुर जिले में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नकली सोने का कारोबार करता था। पुलिस ने इस गिरोह के कुल 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 100-100 ग्राम के सोने के 10 बिस्किट बरामद हुए हैं, साथ ही एक लग्जरी कार भी मिली है। आरोपी लोगों को अपने जाल में फंसा कर नकली सोना बेचकर ठगी को अंजाम देते थे। बरेली में एक के बाद एक महिलाओं की हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में शीशगढ़ इलाके में एक और महिला का शव मिला है। अब तक बरेली में बीते कुछ महीनों में महिला की हत्या या किसी महिला का शव मिलने की ये 10वीं वारदात है। स्थानीय लोग इन वारदातों को सीरियल किलिंग से जोड़कर देख रहे हैं। बलिया में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और रिश्वत लेते एक कानून गो समेत कुल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एंटी करप्शन टीम ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी कानून गो विजेंद्र राय और चेयरमैन संतोष सिंह को उनके दफ्तर में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। हरदोई में उस वक्त लोग दहशत में आ गए जब एक कार के अंदर से अचानक कोबरा निकल आया। कोबरा की लंबाई करीब 7 फीट बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह कोबरा को पकड़ा, बाद में मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम कोबरा को अपने साथ लेकर गई और उसे जंगल में छोड़ दिया गया।
बांदा में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर की लंबाई करीब 12 फीट थी। स्थानीय लोगों ने अजगर निकलने की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया। तीन T20 मैच की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 की बढ़त बना चुकी है। ऐसे में सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए टीम इंडिया तैयारियों में जुट गई है। अफगानिस्तान के खिलाफ इंदौर के होलकर स्टेडियम में 14 जनवरी को दोनों देशों के बीच टक्कर होगी। ये मुकाबला अफगानिस्तान के लिए डू एंड डाई सिचुएशन वाला है। ऐसे में अफगानिस्तान की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में वापसी करने की है। वहीं इस मुकाबले में विराट कोहली की टीम इंडिया में वापसी हो सकती है। आपने तेज रफ्तार से देखा यूपी राउंड अप। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।